नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज 43 इंच MI का टीवी है और पहले भी ये रिपेयर हो चुका है। देखिए दोस्तों, शायद सप्लाई लगी हुई है, पहले बैकलाइट की प्रॉब्लम आई होगी तो सेक्शन ख़राब हो गया है, सप्लाई ख़राब होगा जिसके वजह से वो कन्वर्टर लगा हुआ है और इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हम टीवी को ऑन करते हैं तो MI ठीक आती है, उसके बाद लाइनिंग से प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आप देख रहे हो, और थोड़ी देर चलने के बाद इसमें पूरे लाइनिंग से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चैनल पे नए आए पीछे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे दबा दीजिएगा ताकि और भी LED TV रिपेयर का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आप प्रॉब्लम आप देख लीजिए, इसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है, इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। अब बात करते हैं इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम। तो इस टीवी को आप ओपन कर रखे हैं, पूरा बैक कवर आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये बोर्ड लगा हुआ है और वो उधर सप्लाई पे ध्यान ना दे, क्योंकि वो सप्लाई जो लगा हुआ है वो सप्लाई उड़ी हुई होगी कार्ड का, डेड हो गया होगा पहले टाइम भी, उसके वजह से वो लगा हुआ है अलग से सप्लाई। अब हम पूरा वोल्टेज को यहाँ पे एनालाइज चेक कर लेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। छोटी सी वीडियो है तो लास्ट तक देख लेना। तो कहीं 12 वोल्ट मिसिंग तो नहीं है, 12 की जगह कम वोल्टेज बन रहा हो, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा 12 वोल्ट इस पॉइंट पर। इस साइड यहाँ पर 12 बननी चाहिए। तो थोड़ा सा मल्टीमीटर पर फोकस करते हैं और देख, तो 12 वोल्ट बिल्कुल ओके, 11.8 बन रहा है। तो इसके मतलब ये पैनल डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है या टिकॉन में प्रॉब्लम है। तो बैक कवर को मैं यहाँ पे जो नीचे वाले स्पीकर जिसमें लगे रहते हैं बैक कवर, उसको ईजिली मैं निकाल लूँगा और उसके बाद टिकॉन और बोर्ड को पैनल को चेक करूँगा। तभी स्क्रू लगा हुआ, मैं स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करते हैं आपसे पूरा। तो वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। बैक कवर यहाँ पे ओपन हो चुकी है और ये टीवी देख सकते हो कितना ज़्यादा रस्टेड है। ये प्रॉब्लम नाले या बगल से कोई नदी गुजर रही है उसके वजह से हुआ होगा। देखो कितना ज़्यादा रस्टेड है पूरा टीवी, और ये कहीं रिपेयर हो चुका है। पैनल लगा हुआ है BOE का F90। हम क्या करेंगे, इसका एक साइड से FFC ओपन करके पहले प्रॉब्लम को चेक कर लेंगे कि कहीं COG प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है, जो टेप लगा के हम ओके कर लेते हैं वैसा वाला। तो उसके लिए मुझे एक साइड से FFC को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं FFC को ओपन कर लिया हूँ। तो हम यहाँ पे FFC को ओपन करके उसके बाद ऑन करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम जो ये प्लग है इसको ऑन कर लेते हैं। ये हो गई ऑन, ऑन हो चुका है। अब हम उठा के देखेंगे तो पिक्चर हाफ में बन रही है, हाफ में सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें COG का प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। तो दूसरे साइड से भी ओपन करके देख लूँगा, एक साइड का कर लिया हूँ तो दूसरे साइड का भी ओपन करूँगा लगा के। तो TV को फिर से बंद करना पड़ेगा मुझे और इस साइड के FFC को मैं जैसे था वैसे ही लगा देता हूँ यहाँ पे। ये जैसे था वैसे ही लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट होता है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बनाता हूँ वीडियो तो आपको बेनिफिट होने के लिए बनाता हूँ। तो ज़रूर कमेंट में एक बार बताना कि हाँ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब दूसरी साइड का मैंने FFC को ओपन कर लिया है और फिर से मैं वहाँ पर सेम कंडीशन से ऑन करूँगा जैसे पहले किया था, और देखेंगे दूसरे साइड पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं जैसे ही इसको ओपन किया तो देख, तो दूसरे साइड में बिल्कुल ओके पिक्चर बन रही है, एक साइड में वाइट बन रही है। ऐसा अगर आपके टीवी मिलती है तो COG प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है कॉप भी शॉर्ट हो सकता है, हो सकता है PCB भी शॉर्ट हो सकती है। तो टिकॉन का ऑल टू ऑल वोल्टेज को आप चेक कर लेना है, आपको VGL चेक करना है, VGL चेक करना है, टोटल वोल्टेज चेक करना है, कोई शॉर्ट तो नहीं हो रहा है इस पैनल में, कोई शॉर्टिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पर लगा हुआ है पूरे में कार्बन जैसा, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये पूरा कार्बन लगा है तो हो सकता है कोई कॉप शॉर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो मैं ये जितने भी कार्बन है उसको मैं IP से पूरा क्लीन कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि COG है या क्या है। आप एक साइड देखते हो पूरा बिल्कुल पिक्चर ओके बन रही है। तो यहाँ पे फिर से मैं TV को ऑफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि बगैर ऑफ़ का मैं कोई क्लीन नहीं कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉटन वर्ड्स, FFC लगा के यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कॉटन वर्ड्स दोस्तों। अब ऑन करके फिर से देखते हैं, ऑन हो चुकी है, ऑन हो गई TV। और फिर आपको प्रॉब्लम फेस कराता हूँ।
यहाँ पे कॉटन वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, और आईपी आपके पास आईपी थीनर है, थीनर उसको यूज़ कर सकते हो क्लीन करने में। तो मैं आईपी और क्या नाम है कॉटन वर्ड्स ले लिया हूँ, टीवी को बंद कर दिया हूँ यहाँ पे, और जितने भी रस्टेड है उस पॉइंट को मैं क्लीन करूँगा। एफएफसी भी ज़्यादा आपको रस्टेड दिख रहा है उसको चेंज कर दीजिए आप, और इस पॉइंट को हम क्लीन कर लेंगे यहाँ से। जितने भी कॉक के ऊपर होगा या अगल बगल में रस्ट दिखता है उसको क्लीन कर लेना अच्छा से, क्योंकि कार्बन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और हो सकता है सीओजी हो तो टेपिंग कर लेना। और भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे है एमआईटीवी का, तो उसको देख के सीओजी प्रॉब्लम भी आप रिपेयर कर सकते हो। एमआई का बहुत ज़्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ, और एमआई बहुत ज़्यादा मेरे पास रिपेयर होने भी आता है, अथॉराइज सर्विस सेंटर से आता है या कस्टमर के घर से आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर से ओपन करके हमें देखना है। ये क्लीन हो चुका है यहाँ पर, अब हम लाइट दे दिए, फिर से टीवी को ऑन कर लेते हैं। लाइट दे के आप क्लीन मत करना दोस्तों, लाइट कट करके फिर क्लीन करना। अब मैं एक साइड से क्लीन कर दिया हूँ, देखते हो एमआई सही सलामत आ चुकी है यहाँ पे। अभी इतना देर में एबनॉर्मल पिक्चर बन जाता था, अभी नहीं बन रही है। मैं पहले आपको पिक्चर थोड़ा देर दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ही लाइन बनती थी। तो यहाँ पे देखते हो लाइन बिल्कुल नहीं बन रही है, पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। और भी आप सी ओ जी के रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम को वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, और आप वहाँ जाके एम आई के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। दिल्ली नोएडा से है तो रिपेयर करवा सकते हैं, हमारा एड्रेस नोएडा सेक्टर 6 में है, और यहाँ ला के आप अपना टीवी को रिपेयर करवा सकते हैं दोस्तों। हो सकता है तो पिकअप ड्रॉप भी हम करते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे रिपेयर किया, तो इसका चार्जेस आप अगर कर रहे हैं तो कस्टमर से कम लेना। हाँ, एक्चुअल आप ट्रैक काट रहे हैं या कॉफ चेंज कर रहे हैं तो चार्जेस जो आपका है वो ले लेना, बट ऐसे में आप कस्टमर से कम चार्ज लेना। मेरी तरफ से इसका चार्ज पड़ा है 850 रुपया। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।